कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, और अभी मैं दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं माता रानी की अभी पूजा करने जा रही हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। डेली रूटीन रहेगा घर का, जो भी है आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सुबह सुबह अभी मॉर्निंग में उपवास है तो ये वाटर मेलन खा रहे हैं, और ये आयान के लिए, आयान को देख के आती हूँ। ये ले आयान, वाटर मेलन फिनिश करना है तो। घर का पूरा काम हो गया है, क्लीनिंग, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, सब काम कंप्लीट कर दिया है, और आयान को नहला दिया है, खाना खिला दिया है। अभी आयान को देख, आयान ए आयान इधर आओ, तो वो कुछ कर रहा होगा, मस्ती कर रहा है वहाँ पे। एक मिनट दिखाती हूँ आपको कर रहा था क्या कर रहा था, बोलो। ए आयान कहाँ गया? गिर जाएगा यान, तो सही से चला ना, गिर जाएगा। ओ माय गॉड, आयान को लग गई। ओहो हो, आयान रो क्यों नहीं रहा लेकिन? हाँ रो के दिखाओ, कैसे रोता है दिखा अभी। झूठू झूठू गंदा बच्चा, मम्मा ना शैतानी बच्चा। चलो उठो, चलो आओ उठो, मम्मा को हाथ दो, हाथ दो मम्मा को दो। उठो जल्दी, अभी ऐसे बदमाशी मत कर, चोट लग जाएगी आयान तेरे को। चोट लग गई तो? हाँ चोट लग गई तो फिर क्या करेगा? कहाँ लगा तुझे? पीछे लगा। ओ मैं आयान के लिए ना लेके आई हूँ, काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही थी इसके। मैंने दो तीन बुक मंगवा लिया था लेकिन इसने ना फाड़ दिया सब, तो अभी मैंने मीशो से ये मंगवाया। इसमें ना सब कुछ है। इसका अच्छा ये है कि ये फटेगा नहीं। आयान कैसे भी खेलता है, आयान पे कहीं पे भी होगा ना तो इसे पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, ये पूछता है ना तो फिर हम बताते हैं, तो इसका ये रेड है ऐसा। ये हेलीकॉप्टर, क्रेन, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, स्कूटर, मोटरसाइकिल। हाँ मोटरसाइकिल ना, आपके पास है ना मोटरसाइकिल? Later that same evening. हेलो दोस्तों, रात हो गई है, रात का मैं खाना बनाने जा रही हूँ। रात का खाने में मैं बनाने जा रही हूँ वेज पुलाव, और मैं आज आप लोग के साथ में वेज पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। आप भी आप लोग देखिएगा और घर पे ज़रूर बनाइएगा क्योंकि बहुत अच्छा बनेगा। वेज पुलाव बनाने के लिए मैंने सब्जियाँ कट कर ली हैं। मैंने लिया है ऑनियन, पोटैटो, पत्ता गोभी, टमाटर, ग्रीन चिली, धनिया और नींबू, और सूखे मसाले में मैंने लिया है ये है किचन किंग मसाला, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, जीरा, इलायची, लौंग, तेज़पत्ता, दालचीनी। ये मैंने 3 कप राइस भिगो के 10 मिनट के लिए रख दिए थे, अभी ये पानी पूरा सूख गया है। चलिए हम आपको रेसिपी बना के बताते हैं। हम इसमें तेल डालेंगे, तेल गरम हो गया है, अभी इसमें
जीरा डालेंगे, जीरा डाल दिया, इलायची, काली मिर्च, तेल पत्ता, दालचीनी सब इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर ऑनियन डालेंगे, ऑनियन को हल्का ब्राउन कर लेंगे। ऑनियन हल्का ब्राउन हो गया है, उसके बाद टमाटर और ग्रीन चिली डालेंगे। इसको अच्छे से पकाएंगे। ये हल्का पक गया है, अब इसके अंदर आलू डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसमें नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, किचन किंग मसाला डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 मिनट ढक के रख देंगे। 2 मिनट हो गया है, अब इसको चेक कर लेंगे। और अब इसमें राइस डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हो, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, अभी मेरे पास यही अवेलेबल था इसलिए मैंने यही सब डाला। अब इसमें पानी डाल देंगे। आप मिर्ची आपके हिसाब से डाल सकते हो, क्योंकि मेरे को अयान को खिलाना रहता है इसलिए मैं कम ही मिर्ची डालती हूँ। उसके बाद आधा नींबू का रस डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको ढक के रख देंगे। उसके बाद स्लो आंच पे 1 सीटी दिला देंगे। एक सीटी आ गई है। अभी 1 सीटी आने के बाद इसको थोड़ी देर रखना है। जैसे ही दूसरी सीटी आना चालू हो जाए वैसे ही इसको बंद कर देना है। ये देखिए क्या कलर आया है, कितना मस्त है। अभी इसके ऊपर ग्रीन धनिया डाल देंगे और थोड़ी देर बंद कर देंगे। ये हमारा प्यारा बाबू है, ये देखो। दोपहर को सोने के बाद भी इसको नीनी नीनी आती है। दोपहर को सोने के बाद भी नीनी नीनी आती है। हाय बोलो सबको। फ्लाइंग किस करो, फ्लाइंग किस करो। सो क्यूट बोलो, सो क्यूट बोलो, सो क्यूट। अरे मेरा बहुत चौ समझता सब है। A few moments later. ये देखिए टाइमिंग, कितना टाइम हुआ है, 7:45 है और हमारे पति देव अभी आ रहे हैं। ये देखिए आयन, पापा छोड़ के गए तेरे को। वाव,
अभी थोड़ा फ्रेश होती हूँ, मुँह हाथ पैर धोती हूँ और माता रानी की पूजा स्टार्ट करती हूँ। अभी शाम की रात की पूजा होने वाली है, तो अभी रात की पूजा करते हैं। माँ शिव शक्ति जानू ब्रह्मा गणपति गाय। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गुड नाइट, थैंक यू।